सॉल्यूशन जर्नलिज्म बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है जो 1998 के बाद से जो इवोल्व हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है कि 1998 के बाद आया। और इस विषय पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि नारद जी प्रारंभिक पत्रकार रहे हैं शुरू में। मैं तो मानता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने इंडिया टुडे के एडिटर को बुलाया था, नाम भूल रहा हूँ उनका, और उन्होंने वो हम विषय जो है नारद पत्रकारिता के ऊपर था, तो उन्होंने नारद से ज़्यादा जो है नचिकेता के ऊपर बोला कि भारत में पत्रकारिता जो है इस तरीके से रही है कि जो है आप वो प्रश्न करने की जो आदत है। जर्नलिज्म का मतलब है, जर्नलिज्म इज एन आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, हाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू द पीपल, कि लोगों से आप सवाल कैसे करते हैं। तो पत्रकार का काम जो है सिर्फ सवाल करना नहीं है। सॉल्यूशन जर्नलिज्म की जो बात है, पत्रकार का काम सवाल करना ही नहीं है, पत्रकार का काम सिर्फ प्रॉब्लम बताना ही नहीं है, प्रॉब्लम के बारे में लिखना ही नहीं है, पत्रकार का काम जो है उसको सॉल्यूशन तक भी लेके जाना है। सो सॉल्यूशन जर्नलिज्म, समाधान पत्रकारिता का मतलब, ये बेसिकली 1998 से इस विषय पे बातचीत हुई। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है फ्रांस से आया है। फ्रांस में एक एनजीओ था, उन्होंने ये जो है वहाँ पे एक एनजीओ शुरू किया, उन एनजीओ का नाम था होप रिपोर्टर 1998 में। वहाँ से उन्होंने कहा कि पत्रकार जो है समाज के लिए, जो पत्रकार समाज के लिए उम्मीद है, लेकिन पत्रकार पॉजिटिव जर्नलिज्म कैसे कर सकता है, सकारात्मक पत्रकारिता कैसे कर सकता है। हमेशा ये कहा जाता है बैड न्यूज़ इज़ ऑलवेज गुड न्यूज़, पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हमेशा जो है हम सब लोग जानते हैं कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन पॉजिटिव को उतना हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इवन मैं तो आज तक भी क्लासरूम में ये पढ़ाता हूँ, पॉजिटिव जो होना है, जो होगा वो पीआर का काम है, वो अपना करेंगे। जर्नलिज्म को जर्नलिस्ट को विरोधी होना चाहिए, विद्रोही होना चाहिए, उसको क्वेश्चन करने चाहिए, उससे पूछना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कि पत्रकार का काम सिर्फ सवाल खड़े करना नहीं है, प्रॉब्लम को बताना नहीं है, पत्रकार का काम जो है समस्या का समाधान करना है। जन कल्याण की पत्रकारिता हम कैसे कर पाएंगे, जब हम सॉल्यूशन तक जाएंगे। तो हम अगर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा, और पत्रकारिता चेंज का माध्यम है। अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों के सामने लेके आएंगी। और जो इंडियन सुबह में मॉर्निंग में पढ़ रहा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने पॉजिटिव जर्नलिज्म पे, सॉल्यूशन जर्नलिज्म पे बहुत बात की है। उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार, उन्होंने कहीं किताब में लिखा था कि एक बार वो इसराइल की यात्रा पे थे, और इसराइल में अभी आप लोग जानते हैं इसराइल और हमास में क्या चल रहा है, इसराइल और हमास के बीच में कुछ आतंकवादी हमला हुआ और बहुत सारे लोग जो है मारे गए, लेकिन सुबह मॉर्निंग में अखबार के पन्ने पे, पहले पन्ने पे वो खबर नहीं थी। अखबार के पहले पन्ने पे खबर क्या थी कि रसिया का कोई व्यक्ति जो है इसराइल में आया और उसने वहाँ के डेजर्ट एरिया के अंदर जो है फार्मिंग की और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन किया। तो उन्होंने अपनी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सारे अपने लेक्चर्स में इस बात को किया कि पत्रकार अगर पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे या पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाएंगे तो उससे समाज में ज़्यादा बदलाव आएगा और उससे लोगों में कंस्ट्रक्टिविटी जो है, कंस्ट्रक्टिविटिज्म बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन जर्नलिज्म का मतलब बेसिकली यही है कि हम नकारात्मक चीज़ों को रिपोर्ट करना हमारा धर्म है, लेकिन सकारात्मक चीज़ों को भी हम रिपोर्ट करें, समाज में जो अच्छा हो रहा है वो भी लोगों के सामने लेके जाएं, सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है वो भी लोगों को बताएं, क्योंकि पत्रकार का काम सारे के सारे पहलुओं से लोगों को अवगत कराना है। पत्रकार अगर एक अल्टरनेट या एक फैक्ट के बारे में बताएगा तो वो जर्नलिज्म नहीं है। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन जर्नलिज्म का मतलब यही है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हमारे देश में। दैनिक जागरण आप लोग जानते हैं, सात सरोकार उन्होंने शुरू किया, वो एक सॉल्यूशन जर्नलिज्म था। अगर आप दैनिक भास्कर की बात करें, नो नेगेटिव न्यूज़ कॉन्सेप्ट शुरू किया तो वो पॉजिटिव जर्नलिज्म ही था। अगर आप पी साईनाथ ने हिंदुस्तान के अंदर पीपल आर्काइव ऑफ इंडिया वेबसाइट शुरू की जिसमें सिर्फ फार्मर्स और रूरल इशूज़ को उठाया जाता है, तो वो सॉल्यूशन जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अगर आप देखें, इंडिया टुडे ने गुड न्यूज़ के नाम से इंडिपेंडेंट चैनल शुरू कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जर्नलिज्म का हिस्सा है। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अगर आप गार्डियन को देखेंगे, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखेंगे, वाशिंगटन पोस्ट को देखेंगे, दुनिया के बड़े से बड़े अखबारों में, खासकर फ्रांस के अखबार, फ्रांसिस
जितने न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे सॉल्यूशन जर्नलिज्म के इंडिपेंडेंट कॉलम है, इंडिपेंडेंट सेक्शन वेबसाइट पे हैं, तो वहाँ पे पत्रकार जो है पॉजिटिव जर्नलिज्म भी ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन का मतलब यही है, why सॉल्यूशन जर्नलिज्म इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन आर यू राइटिंग, व्हेन यू आर नॉट रेजिंग ओनली प्रॉब्लम, व्हेन यू आर गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द रिसेप्टिविटी ऑफ द रीडर। पाठक का विश्वास आप में बढ़ता है, पत्रकार की विश्वसनीयता बढ़ती है, अखबार की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप जब फील्ड में जाओगे तो आप सवाल करें, ठीक है, और बिल्कुल सवाल करना आपका काम है, आपका काम ही सवाल करना है। जर्नलिज्म का विद्यार्थी अगर सवाल ना करे फिर वो कभी अच्छा पत्रकार बन ही नहीं सकता। सवाल करें लेकिन समाधान भी दें, बखेड़ा मत करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आप लेके जाएंगे। और भारतीय अगर संवाद परंपरा में अगर आप देखें, भागवत गीता उससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है, सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करती है, दुनिया की सारी समस्याओं का हल भागवत गीता है, ठीक है। रामायण में बहुत सारी समस्याओं का हल है, तो हमारा तो पूरी मैथोलॉजी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो नारद की पत्रकारिता है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जर्नलिज्म का एग्जाम्पल है। नारद को कई बार मैं लोगों से जब सुनता हूँ और महर्षि नारद के बारे में जो बोलते हैं कि जिस तरीके से रामायण में महर्षि नारद को दिखाया गया है, ठीक है, वो एक डायरेक्टर का व्यू पॉइंट है, उन्होंने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है। एक्चुअल में महर्षि नारद वो नहीं है जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। महर्षि नारद जो है दे आर इन्फॉर्मिंग द पीपल कंस्ट्रक्टिवली, जो है कि समाज में, देश में, दुनिया में अच्छा हो, इसके लिए लोगों को वो अलर्ट करते थे, इन्फॉर्म करते थे, एजुकेट करते थे। लेकिन सीरियल्स में जिस तरीके से दिखाया गया है, मुझे लगता है मैं उससे उस भूमिका से कतई भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे लगता है इस विषय में हमें और शोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सालों से इस विषय पे बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो पत्रकारिता के विद्यार्थी इन विषयों पर काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं एक बार फिर नीरज जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आज सर को सुनने का मौका मिलेगा, सभी पत्रकार साथियों को भी सुनने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।